नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंग्लिश की पाठशाला में। माय नेम इज मुकेश जन्मा और आपके लिए अभी तक जो भी टॉपिक हमने प्रस्तुत किए थे वो ग्रामेटिकल बेस्ट थे। फ्रेंड्स, आज से एक नया सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। शुरू से ही कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ, आप सुनिएगा। हर किसी शख्स की जरूरत है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की, लेकिन बनाए कैसे? किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या एनी अदर लैंग्वेजेस, उसके दो स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फर्स्ट पिलर इज द ग्रामर एंड सेकंड पिलर इज वोकैबुलरी। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमने देखे हुए वो अक्सर ग्रामर के पीछे भागते हैं कि सर हमें ग्रामर की प्रॉब्लम है, बट अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर इज ओनली 10% डिफिकल्ट पार्ट। सिर्फ 10% ही मुश्किल है ग्रामर जी। सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है वोकैबुलरी, क्योंकि स्कूल में आमतौर पर हम देखते हैं कि आज दिन तक जो हमने ग्रामर पढ़ी है, एक टॉपिक उठाया, चार वोकैब उसके साथ जोड़ी, अलग अलग टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, दैट्स ऑल। अब सिर्फ और सिर्फ वो चार सेंटेंसेस हमको नहीं बोलना है, इसलिए वोकैबुलरी की अहमियत कई गुना ज्यादा होती है। बट इस वोकैबुलरी के ऊपर कमांड कैसे करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमांड करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हम लोगों ने डिजाइन की हुई, क्योंकि ऐसे अगर आप डिक्शनरी खोल के उठा के देखते हो, एन नंबर ऑफ वर्ड्स है वहां पे, असंख्य शब्द हैं, कितने सारे शब्दों पे आप कमांड करोगे और आखिर कौन कौन से शब्द उठाओगे। अच्छा, शब्द लर्न कर भी लिए आपने, तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रामर के साथ अटैच करके उसका प्रयोग करना। तो कुछ आसान तरीके से वोकैबुलरी के ऊपर कमांड कैसे की जाए, आपके सामने कुछ टिप्स हम लोग लेके आए। उसमें से नंबर वन टिप है, वो है वर्ड फैमिली जी। ये एक बेहतरीन तरीका है वोकैबुलरी पर कमांड करने का। वर्ड फैमिली मतलब एक ही वर्ड से जुड़े हुए सारे फैमिली वर्ड्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में एक एग्जाम्पल दिया था, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के तीन, इस फैमिली के तीन वर्ड है, जैसे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंटली। वैसे जो आज का टॉपिक है उसमें सिर्फ हम एक वर्ड पिक कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए टोटल की फैमिली के 6 वर्ड्स को हम लोग कमांड करेंगे। आई एम श्योर कई सारे वर्ड्स आपने पहली बार देखे होंगे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। Everyone knows कि individual क्या है, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, आप देखेंगे शायद आपको महसूस होगा इनमें से दो चार वर्ड, शायद दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स आप यूज करते होंगे, नॉट ऑल दी वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, जो इस वर्ड की फैमिली है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सेकेंड वन इज इंडिविजुअलिज्म, नाउन है। इंडिविजुअलिस्ट नाउन है। इंडिविजुअलिस्टिक एडजेक्टिव है। इंडिविजुअलिटी नाउन है एंड इंडिविजुअली अगेन एडवर्ब है। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं पाया हूं, जैसे इंडिविजुअलाइज, इंडिविजुअलाइज्ड एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो काम के शब्द हैं, इनको प्रयोग कैसे करना, यहां पे भी कंफ्यूजन्स होते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ डिक्शनरी में वोकैब का मीनिंग चेक करते हैं हिंदी में, उसकी प्रॉपर्टी भी चेक करना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार उसको ग्रामर के साथ अटैच कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, फर्स्ट इंडिविजुअल, दोनों ही तरीके से काम में आता है। फर्स्ट है एज एन एडजेक्टिव, सेकेंड है एज ए नाउन, दोनों तरीके से काम में आता है। हिंदी में अगर आप जाएं, उसका मीनिंग है इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति, अकेला या समूह से अलग, उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिएगा आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ही रिफ्यूज टू कमेंट ऑन इंडिविजुअल केस, हर एक अलग अलग केस पर उसने टिप्पणी करने से मना कर दिया। ये फर्स्ट यूज है किसका, इंडिविजुअल का। सेकेंड यूज की तरफ बढ़ते हैं, इंडिविजुअलिज्म नाउन, ये एक प्रकार की विशेषता होती है जो भीड़ से या दूसरों लोगों से अलग करती है। शुद्ध हिंदी में थोड़ा खौफनाक या फिर आप कह सकते हो डरावना शब्द है, जो शायद आपको याद नहीं रहे। वैयक्तिकता शायद सुना भी नहीं हो आप में से। एग्जांपल देखिए, ही ऑब्स हिज सक्सेस हिज इंडिविजुअलिज्म एंड फ्लेयर, मतलब वो उसकी सफलता का आधार मानता है उसकी वैयक्तिकता और फ्लेयर, मतलब उसका कौशल। ये एक एग्जांपल है किसका, इंडिविजुअलिज्म। जैसे मैं यूज कर रहा हूं ऐसे कुछ सेंटेंसेस, आप भी फ्रेम करें, तब जाके थोड़ा फ्रेंडली हो पाओगे, नहीं तो एक सेंटेंस ही याद रहेगा आपको, फिर वही गलती करोगे जो आपने स्कूल में की थी। थर्ड वन इज इंडिविजुअलिस्ट, एज अ नाउन काम में आता है। इंडिविजुअलिस्ट मींस व्यक्तिवादी। एग्जांपल रखा हुआ आपके सामने, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ही इज अ कंप्लीट इंडिविजुअलिस्ट इन हिज आर्ट, उसकी कला के क्षेत्र में वो एक इकलौता व्यक्तिवादी पर्सन है। थर्ड यूज। नाउ गोइंग टू द फोर्थ यूज, इंडिविजुअलिस्टिक एडजेक्टिव है, व्यक्तिवाद परक, लोगों की क्वालिटी होती है, व्यक्तिवाद परक होते हैं। कई सारे एग्जांपल आपके सामने है,
एंड इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे भी एक व्यक्तिवाद परक कल्चर है, ऐसे एक संस्कृति है हमारे यहाँ पे, जिस एक व्यक्ति की चलती है अपना वो विचार रखता है घर में, परिवार में, देश में. इंडिविजुअलिटी, द सेकेंड लास्ट वर्ड इज इंडिविजुअलिटी, मीन्स नाउन व्यक्तित्व या एकत्व. दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्तित्व दिखते हैं उससे एक हटकर क्वालिटी वाले व्यक्तित्व को हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी. एग्जाम्पल देखिए, ही एक्सप्रेसेस हिज इंडिविजुअलिटी थ्रू हिज क्लोथ्स. वो अपनी अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, उसके कपड़ों के माध्यम से. हम देखते हैं कई बार लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं वो भीड़ में सबसे हटकर दिखते हैं, मतलब उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो हटके दिखता है, वही एक अलग इंसान दिखते हैं भीड़ में. दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी. द लास्ट वन इज इंडिविजुअली, इट्स यूज्ड एज एन एडवर्ब. वर्ब की विशेषता बताते हैं, अलग अलग या एक एक करके. जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला आज, और एक एक को अलग अलग करके मैंने उनको आज कई सारी बातें बोली, तो आई स्पोक टू देम इंडिविजुअली, अलग अलग करके उनसे बातें बोली. मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इन चीजों को वापस प्रयोग करना सचमुच मुश्किल है, और वही आपको करना है. इस चैनल के माध्यम से आपसे एक नई परिपाटी की शुरुआत की हमने, और वो है वोकैबुलरी. आज के बाद हम वोकैबुलरी के ऊपर आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके ऐसे आजमाने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि कुछ चंद दिनों में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाए. ये जो आज की वर्ड फैमिली आपके साथ शेयर की है, कुछ सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से अपनी नोटबुक में और बनाएं, और निश्चित तौर पे आपको कंफ्यूजन्स होंगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए. हमें सचमुच बेहद खुशी होती है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखते हैं. और ऐसा नहीं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो अपने आप एक इंडिविजुअल डिमांड भी वहां पर लिख सकते हैं. हम कोशिश करेंगे हर मुमकिन के आपकी प्रॉब्लम के लिए भी हम वीडियो बना के आपके लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सके. आपके फीडबैक लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और पता नहीं आपके फीडबैक हमें पता नहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिलाते हैं, और हम इस कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं. आज के लिए हमारा सफर यहीं तक. आप जुड़े रहिए, और ज्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. आज के लिए इतने काफी, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चाओ, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज टेक केयर. थैंक यू.